हमारे जो कुल परंपरा रही है, गुरु से जुड़ने की प्रक्रिया है, यह मेरा विषय उनके मन से मैं जुड़ा हूं और उनसे मेरे मन का, मेरे तन का और मेरे सुख का जो त्राण होता है, त्राण का मतलब है रक्षा, मरना कायदे मंत्रा, करना कायदे मंत्रा, शरीर की रक्षा का, मन की रक्षा करने का भार जब गुरु पर सौंपा जाता है तो गुरु पहले से दीक्षित करता है या दक्ष करता है। दिए की शिक्षा दीक्षा जो गुरु अपनी शक्तियों प्रदान करते हुए शिष्य को अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी तपस्या, अपनी साधना प्रदान करना चाहता है, उसको पहले दीक्षा युक्त कराता है। तो हम कितनी बार भी दीक्षा लें, गुरु के साथ जुड़े, यह अपना विधान है कि हम गुरु के साथ नवीनता या नवीन ज्ञान प्राप्त करें। मेरे प्रभु जी सद्गुरुदेव या हम सबके प्रभु जी सद्गुरुदेव और हम सब विश्वेश्वर जी जिन्होंने अपनी तपस्या से इस पृथ्वी तल पर आज तक इस कलयुग में मेरा जहां तक ज्ञान है, इस कलयुग में तंत्र के नाम से डरने वाले, तंत्र के नाम से आगे पीछे करने वाले लोगों के मन में तंत्र का भय निकाल कर तंत्र एक ऐसी ऊर्जा है, मंत्र एक ऐसा विधान है जिसे अपना मनुष्य सुख और मोक्ष, भौतिक सुख और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकता है। यह कहलाने वाले, यह बतलाने वाले पहले ऋषि या पहले देवता या पहले गुरु कहलाए जाते हैं। आज तक मैं कलयुग में ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा ऋषि नहीं देखा जो इतने प्रगाढ़ता के साथ, इतनी सिद्धता के साथ कहे कि मैं तुम्हारे लिए देवताओं का दर्शन करवाता हूँ, मैं सिद्धि प्रदान करता हूँ। मैं बहुत से आचार्यों से मिला, बहुत से गुरुओं से मिला, लेकिन यह बात निश्चितता से कोई कह सके कि तुम मैं साधना देता हूँ करो और मैं सिद्धि प्रदान करूंगा, ये मेरे प्रभु सद्गुरुदेव जी की कृपा है। उन्होंने ये बात भरी सभा में कही और इसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। साधना की, तपस्या की, गुरु के प्रति निष्ठा की बात बहुत, आप अपने जैसा कहा गुरु परीक्षा मतलब आज आप सामान्य जीवन से पहली में भी पढ़ते हो तो आपको सामान्य परीक्षा होती है, परीक्षा में पास होते हो तो द्वितीय कक्षा में जाते हो, परीक्षा होती है तो द्वितीय कक्षा में जाते हो, बिना परीक्षा के आप क्लास भी नहीं पढ़ते, बिना परीक्षा के इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन भी नहीं मिलता। अगर ऐसा नहीं होता, परीक्षा नहीं होती तो सब लोग AS बन जाते, सब लोग भी अपने करियर पर बन जाते। परीक्षा इसलिए दी जाती है कि उसकी उस रिपोर्ट का है या नहीं, परीक्षा हर एक चीज के लिए है और शिष्य परीक्षा लेता है, शिष्य की परीक्षा ही होती है, तभी गुरु कहता है कि योग्य है इस चीज के लिए, तो निपुण है इस चीज के लिए। और दीक्षा इसीलिए दी है तो परीक्षा में पास, और ये दीक्षा लेते हुए मनुष्य ये समझना चाहिए कि मैं आज से गुरु का बन गया, मैं आज से गुरु का, गुरु के साथ रहूंगा। दीक्षा बहुत सारे लोगों ने ही अपना मन चंचल इधर उधर घुमाते रहे, गुरुओं को इधर उधर जाते रहे, गुरु हर क्षण याद दिलाता है, वह चाहे भूलने की भी कोशिश करे, वह चाहे दूसरे गुरु के पास भी जाए, लेकिन उसे एक बार उसके मन में अगर गुस्सा है कहीं तो उसे भड़का देता है कि मैं उस गुरु से दीक्षा ली है, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मैं ये कार्य करूं या ना करूं। वो कितनी भी गलती करते रहे या अच्छा ही करते रहे, वो गुरु को जब याद करता है वो योग्य गुरु हो तो उसमें छोड़ता नहीं, वो तुम्हारा पीछा करते रहता है। तुम कितना भुलाने की कोशिश करो वो भूलता नहीं, वो तुम्हें भूलने देता ही नहीं, क्योंकि वो योग्य गुरु है। तुम चाहे 10 गुरुओं के पास जाओ लेकिन वो कहेगा कि मैं तेरे पीछे हूं, तू वहां जा रहा है, वहां को क्या प्राप्त किया या क्या प्राप्त किया, एक बार तुलना कर, एक बार देखिए। और आप सब दिल पे हाथ रखकर कहो, आप भूलने की कोशिश बहुत लोगों के पास गए थे होंगे, बहुत तरीके से गए थे होंगे, लेकिन आप दिल पे हाथ लेके करो कि आपको आपने आपके गुरु को याद नहीं किया होगा, याद नहीं करते होंगे। आप भूलने की कोशिश करते हुए भूलने वाली चीज नहीं, गुरु याद देता है, याद दिलाता है, हर
जो जो गुरु है वो तेजस्वान वो ऊर्जा है तो मैं कभी दीक्षित करते हुए मैं कहता है कि मैं तुम्हारे साथ का बंदा हूँ तुम्हें छोड़ के मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी ने तो कहा था कि मैं 25 जन्मों से तुम्हारे साथ रहा हूँ तुम्हें छोड़कर भावी कृष कर रहे हो मैं छोड़ूंगा नहीं। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के साथ जुड़ने की प्रक्रिया और वो जुड़ना किस तरह कि छोड़ने और भागने की प्रक्रिया ना हो छोड़ने और भागने की प्रक्रिया होती है पशुओं में जिससे उसे बांध कर रखना पड़ता है। हम पशु नहीं है हम मानव है हमें बांधना जाता है तो मन से हमें बांधना जाता है तो दिल से हमें बांधना जाता है तो शब्दों से हमें बांधना जाता है तो ज्ञान से। मैंने कई बार उदाहरण दिया परीक्षा तो मेरी भी ऐसी परीक्षाएं मैंने जितनी बार भी कहा लाखों का करोड़ों का नुकसान है। आज भी मैं कहीं गुरु कार्य करने जाता हूं तो पहले परीक्षा से ही गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु आप क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है गुरु आपका ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं वो वहां जो बैठे हैं वो अपने आप में घिस कर देख रहे हैं जो कहीं टूटा तो नहीं और मैं कहता हूं मैं टूटा नहीं। आप गुरु पूर्णिमा का कैसे देखते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि मैं जोशी की इतनी सारी परीक्षाएं बहुत सारी परीक्षाएं दी उसको गुरु पूर्णिमा देने की बात नहीं कहता था लेकिन वो परीक्षा में इस तरह पास हुआ फिर मजबूर होकर उसको कहना पड़ा कि तो गुरु पूर्णिमा कर मैं आता हूं। मैं कोई संबंध मान नहीं था आज भी मैं एक आज ये बात कहता हूं कि आज लाखों करोड़ों का नुकसान लोग मुझे निंदा भी करें लोग मेरे पर किसी भी तरह के पत्थर भी डालें मैं मेरे कार्य में हूं और ये गुरु की शक्ति है मैं चल रहा हूं। आज यहां नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज मैंने बद्री केदारनाथ में भी इसी चेतना के लिए स्थापना करने की घोषणा की। आज मैंने उत्तरांचल से लेकर उड़ीसा में हो गुजरात में हो या भारत के दक्षिण में हो मद्रास रामेश्वरम तक मैंने विजय करने के लिए लोग स्थान लेने के लिए तैयार है। महाबलेश्वर की भी आज कई गवाया था बेंगलोर में भी गुरु जी सदा के देखा है आवाज मैं जब मेरे कार्य में सही हूं तो ये कार्य होगा। मैं रामेश्वर में आज अमेरिका में विजय जेटा का रजिस्टर होगा आप वेबसाइट में देख सकते हैं अमेरिका में भी निजी जेटा का रजिस्टर हो गया इंग्लैंड में भी निजी जेटा का रजिस्टर हो गया मैंने निजी जेटा देखा मैं केवल कार्य कर रहा हूं वो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी माया नाम के वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं अगर सही हूं तो काम कर रहा हूं मैं डटकर चल रहा हूं मैं हटने वाला नहीं हूं गुड़िया के ऊपर परीक्षा के लिए पत्थर डाल दो मैं कार्य कर रहा हूं मैं जाऊंगा फिर आपकी संस्था विदेशों में नाम लेकर चलूंगा। आपको भी मैं यही चाहता हूं कि आप कब डगमगाए नहीं उन परीक्षाओं से आगे बढ़े आप संजय शांति का नाम आगे लेकर चले चाहे आप किसान से टक्कर लेते हो तो उसी दिन वीर कहलाओगे सही युद्ध में लड़कर अगर जीतते हो तो विजय कहलाओगे वीर कहलाओगे भाग खड़े होते हो तो तुम्हें वीर कोई नहीं कहता कायर कहता है। सामना तो करना ही है चाहे किसी भी परिस्थिति का हो कैसी भी स्थिति हो सब स्थितियां उत्पन्न होगी। मैंने आपको जैसे आपने कह रहा है वरुण हो आकाश हो सूर्य हो इंद्र हो नदी हो वाहन हो हवा हो ये सारे लोग अपनी परीक्षा जरूर लेने के लिए हम बैठे हैं अपने लोग अपने सगे संबंधी अपनी परीक्षा करेंगे अपने माता पिता अपनी परीक्षा करेंगे ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है तुम्हें डरना नहीं है तुम्हें उस गुरु पर विश्वास है तो तुम्हें वो लोग चार पारा है तुम्हें कभी करना ही है बाकी का काम संभालेंगे तुम्हें संप्रेषणी का नाम संसार में फैलाना है तो इस उद्देश्य को लेकर चलना है। आज जिस कार्य को लेकर चला हूं आज रामेश्वरम तमिलनाडु मद्रास में बेंगलोर में महाबलेश्वर में पूना में जो पुराने साधक थे उन्होंने भी मुझसे फोन करके कहा कि जैसी जी आप एक बार आइए हम हैं गुरु भाई को मैंने बहुत सारे साधनाएं भी की है लेकिन मैं चाहता हूं कि पुणे में निजी चेतना केंद्र की स्थापना हो गुजरात में निजी चेतना केंद्र की स्थापना हो मैं उत्तराखंड जहां गुरु जी का गुरु की इच्छा है उस हिमालय में मैं चाह है कि मेरे गुरु जी को हिमालय बहुत पसंद है और बद्री केदार में भी आज माउंट आबू जा रहा हूँ हो सके तो माउंट आबू में भी जहाँ गुरु जी पहली बार अपने जोधपुर से निकल कर शून्य शाखा से रखी थी वहां भी निजी चेतना केंद्र की स्थापना करूंगा चाहे मेरे लोग भी कहें मैं मेरे गुरु जी का नाम संसार भर में लेना चाहता हूँ इसके लिए मैं कुछ भी सेना पर मैं सहूंगा और आपको भी यही चेतना देता हूँ कि आप यही काम लेकर आगे चले आपको कोई रोक नहीं सकता चाहे इंद्र भगवान की दीक्षित हो
तो गुरु का नाम लेकर आगे चलो, तूफान से टक्कर लेने की शक्ति रखो, साधना में यदि ये ताकत है हम मरेंगे नहीं, मरने नहीं देते। एक बार ऐसा ही कहा था विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को, प्रभु मेरे को माँ काली का दर्शन करवा दो, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद ने पूछा कि आप रोज काली को दर्शन करते हो, काली को खाना चाहते, ऐसा लोग कहते हैं तो मुझे भी दर्शन करा दो। रामकृष्ण रोज समझा रहे थे कि तुझे साधना इस तरह करनी है, उस तरह करनी है, उस तरह करनी है। उन्होंने कहा जैसा भी कह रहे हैं साधना के, मेरे को काली दर्शन नहीं देती। तो उन्होंने एक बार गंगा के किनारे बैठे थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी दोनों, तो फिर उन्होंने विवेकानंद जी ने एक प्रश्न किया कि मुझे एक बार काली के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से पूछा तैरना आता है? विवेकानंद जी ने कहा नहीं तैरना आता। उन्होंने ढंग के साथ धकेल दिया गंगा में विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी जोर से चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, जोर से चिल्लाने लगे तो रामकृष्ण परमहंस चले जा रहे, लोग कूदे और उनको बाहर निकाल के लाए। उन्होंने कहा क्या उन्होंने तैरना नहीं आता, कुछ टेबल पे आके बैठ लिया, अरे तू जैसा भी बचाओ बचाओ करके उतार रखा ना वैसे उतार और काली को लगे तेरे दर्शन हो जाए। जिस तरह से जिस दर्द से तू पुकार कर बचाने के लिए तेरे को लोग आके बचाए, उस दर्द से तू अगर जब पुकारेगा तब काली का दर्शन जरूर हो जाएगा। इससे पहले मृत्यु को प्राप्त करना, अगर आपको देवता देखनी है तो अपने आपको झोंकना है अग्नि में। और जब तक ये परीक्षा नहीं होगी तब तक देवता नहीं होगी, आपको उपकार नहीं आता। बच्चे अगर हंसते हुए माँ को पीछे बैठे लेकर खड़े थोड़ा खेल रहा हो, वो भी सिला कर रोते दो दो से सिला है, चुप बैठ आपकी ले लियो बोल देते एक मिनट माँ भी शांति से चिल्लाएगा वो भटक रहेगा रोएगा रोएगा तो आपकी चुप पड़ जाए खाना ले लियो, वो चिल्लाना आना चाहिए आदत में आता नहीं। हमें वो दर्द से उतारना आता है, जिस दिन दर्द से उतारेंगे हम देवता दर्शन देंगे। रामकृष्ण परमहंस की छोटी सी परीक्षा देवता की होगी। उसी तरह हम जो दीक्षित हुए तो एक भव्य नाम के महामुनि भी थे, भव्य एक महर्षि हुए, उनके पास उपमन्यु नाम का एक शिष्य था। वो उपमन्यु अपने गुरु के पास रोज बड़ी प्रेम और भक्ति भाव से साधना करता था, सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो उपमन्यु को एक दिन देखा कि वो बहुत निष्ठावान है, उनके गुरु को लगा कि उपमन्यु की परीक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा उपमन्यु को बेटा तू रोज कैसा खाता है? बोले गुरु जी क्या है भिक्षा मांग कर लाकर खाता हूं। बोले गलत काम कर रहा है, क्या भिक्षा जो भी मांग के लाए वो पहले गुरु को देनी चाहिए बाद में भिक्षा खानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो रोज भिक्षा को गया, भिक्षा लाया गुरु के सामने रख दिया, तो गुरु क्या बोले बचे भी भिक्षा दे भी लेते वही खा दिया, ये देखते रह गया। तो बोला फिर दो चार दिन हो गए, बोले उपमन्यु तू कैसा खाना खा रहा है? बोले गुरु जी आपको भिक्षा पहले लाके दे रहा हूँ, दूसरी बार मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, मैं दूसरी बार की भिक्षा मांग रहा हूँ। बोले गलत है, इससे लोगों पर भार पड़ेगा, दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगना, पहली बार की भिक्षा आप खा जाएंगे दूसरी बार नहीं मांगना, ये क्या बात है? बोले फिर तीसरी चार पांच दिन हो गए, फिर तीसरी बार पूछे तू क्या कर रहा है कैसा कर रहा है? बोले कुछ नहीं गुरु जी, गाय अपने है ना सब, उस गाय का दूध निचोड़ के पीना। बोले बहुत गलत बात है बेटा, गाय का दूध कभी निचोड़ के नहीं पीना, वो गाय का अधिकार गुरु का बनता है और बछड़े का बनता है, तेरा अधिकार नहीं बनता, दूध नहीं पीना चाहिए। गाय का दूध जो चरने जाता था गाय का दूध बंद हो गया। फिर दो चार दिन हो गए, फिर पूछे बेटा तू कैसा खाना खा रहा है? बोले गाय का दूध मेरे बछड़ा जब खाता है तो उससे जो झाग निकलता है उसको चाट रहा हूँ। बोले बहुत गलत बात है, बछड़े को रोग लग जाएगा, वैसा चाटना नहीं है झाग हो गया। बहुत अच्छा बोला आपकी कृपा से बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न है जो बॉडी
कोई भी पीछे नहीं गया, खाना की तेजी से नहीं, आपने ऐसा नहीं खाना वैसा नहीं खाना, आपकी मिट्टी में खाने को नहीं मिल रही, ये देखिए बोले बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा नहीं मिल गया, आगे बोलो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुमने गाय का दूध नहीं पिया, मिट्टी नहीं खाई, ऐसी हवा तो खा रहा होगा ना, हवा तो ले रहा होगा। हाँ बोले हवा ले रहा हूँ, हवा लेने से तो बचा हुआ हूँ, ऐसा करके नाम बंद कर दे, मर जाऊंगा बिल्कुल, वही तो चाहता हूँ मैं, मर जाऊ आर्मी में देता हूँ। और जब वो नाक बंद करने गया तब कहा उपमन्यु आज मैं तुझे अश्विनी कुमार का मंत्र देता हूँ जिससे तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। उसने में उन्होंने मंत्र दिया और उस मंत्र के आह्वान से अश्विनी कुमार आए जो देवताओं के आयुर्वेद के वैद्य कहलाए जाते हैं, वो आए और कुछ शिशु उपमन्यु को प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने कहा कि मैं इतना प्रसन्न हूँ, ये लोग तुम्हें ये आम दे रहा हूँ, इससे खाली शरीर खुश हो जाएगा, आज तक तुम्हें जो शक्ति तुम्हारी चली गई है वो शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ। वो आम निश्चय दिए, गुरु ने उसके तरफ देखा, समझ गए उपमन्यु कि कुछ भी खाने से पहले गुरु को पहले देना चाहिए, वो आम खा लिया और गुरु के हाथ में दे दिया। गुरु ने कहा ये क्या कर रहा है। गुरु जी अश्विनी कुमार ने कहा तुम आम क्यों दे रहे हो। गुरु जी ने कहा है कि मैं जो भी कहूँ पहले पहले मेरे गुरु को समर्पण करूँ, इससे मैं आम गुरु को समर्पित कर रहा हूँ। तब भौम्य महामुनि ने कहा ये आम तुम खा लो। तुमने कहा नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, ये आप ही की आज्ञा है। अश्विनी कुमार कहते हैं तुम्हारे गुरु ने भी उनके गुरु को बिना देखे हुए आम खा लिया था, तो उन्होंने कहा वो मेरे गुरु थे लेकिन मैं वैसा उनके वैसा शिष्य नहीं हूँ, मेरे गुरु का जो आज्ञा है वो पालन कर रहा हूँ, उनको ये देकर मैं खाना खाऊंगा। और जब उनके गुरु ने उचित करके उस आम को उन्हें दिया, उन्होंने उम्मीद की शक्ति प्राप्त की। और उस दिन सौम्य महामुनि ने कहा आज के बिना पढ़ाई के बिना कुछ करते हुए मैं आज एक विशिष्ट दीक्षा देता हूँ और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मेरे और गुरुजी का आज भी शतक है जिसे हम एक बहुत ही बड़ा उपनिषद कहते हैं, जिसे ईशावास उपनिषद कहा गया है, उनसे उपनिषद लिखा गया। और वो गुरु एक ही क्षण में उनको ऊर्जा प्रदान करें अपनी परीक्षा में पास होने के बाद। अब बोलो आप इतने इतने लोगों में कभी ऐसी परीक्षा हुई है, कोई परीक्षा के लिए तैयार नहीं, खाना बंद कर दूं तो कोई आता ही नहीं, मेरे पास आएगा ही नहीं। अभी ये होने के बाद अगर मैं बोलूंगा कि आप सबको चले जाना है तो एक मिनट मेरे पास कोई रुके नहीं। ऐसी परीक्षा हम जब तक नहीं करते तब तक हम उन विद्याओं को जो धनी भू विद्याएं हैं जो जिन विद्याओं के बारे में बताया जाता है इसी विद्याएं कैसे प्रदान करें। परीक्षा हर एक के लिए जरूरी है। आप IAS हो, आप थोड़ी सी बैंक की परीक्षा करो, परीक्षा नहीं तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे लाइन में, हम भी कलेक्टर बनने के लिए हम रेडी है, हम भी कलेक्टर बनने के लिए रेडी है। परीक्षा में पास हो तो कलेक्टर बनेंगे तो होगा, नहीं तो हजारों लोग कलेक्टर बनेंगे तैयार, परीक्षा नहीं पास हुए तो। परीक्षा जरूरी है, परीक्षा के लिए दीक्षा जरूरी है, तो काश में पढ़ना होता है। आज मैं वही दीक्षा की बात आपको कर रहा हूँ। गुरु दीक्षा लें, अपने गुरु के साथ जुड़े रहें, दीक्षा प्राप्त करने पर बहुत सामान जरूर पूरी पूर्ण जाते हैं। जब तुम ढूंढेंगे तब गुरु आपको देखेंगे कि आपको उस नदी के स्थान पर ले जाना है या नहीं ले जाना। गुरु जी कहा करते थे कि मेरे जेब में अगर 50,000 रुपए हैं तो निकाल के देखिए एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं तेरी निष्ठा को देखूंगा, तेरी परीक्षा करूंगा, तभी वो 50,000 से निकाल कर दूंगा। मैं अगर सिद्धिमान हूँ तो मेरी सिद्धि लेने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं तेरी परीक्षा करूंगा। तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो सिद्धि प्रदान या ज्ञान प्रदान करने के लिए एक क्षण बस है, एक क्षण में मैं तेरी प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन परीक्षा में पास होकर हर क्षण गुरु यह कर गुरु अपना कर्तव्य करते रहते हैं, हर क्षण परीक्षा देते हैं। आज भी आपको अगर पता है तो तैरे स्वामी हो या विश्वनाथ जी हो, उन्होंने उनके जीवन में कभी दीक्षा प्रदान बहुत कम लोगों को दीक्षा दी। तैरे स्वामी भी वैसे ही थे जो साक्षात चलते बोलते विश्वनाथ में जाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस को पहली बार उन्होंने उनके जीव पर राम का अक्षर लिखकर उनको उतना विद्वान बनाया था जो दूसरी कक्षा में पास नहीं हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के आज आप उसके बने रामकृष्ण भट्ट के बारे में आप जानते हैं, उनको दीक्षा देने वाले गुरु तैयार स्वामी थे जिनको साक्षात विश्व काशी विश्वनाथ कहा जाता था। आज आप काशी में जाते हैं तो उनके जीवंत रहने पर तैयार स्वामी ने अपनी मूर्ति बनाई, स्वयं की मूर्ति बनाकर रामकृष्ण की स्थापना करके गए थे कि इसके बाद मेरी मूर्ति कहीं बनाई है और उनकी मूर्ति उन्होंने स्थापना की। आज काशी में तैलंग स्वामी की इनकी मूर्ति है। तैलंग स्वामी रहने वाले विजयनगरम आंध्र प्रदेश में बीजना नाम के गांव में रहने थे। तो मेरी बहुत कोशिश बनी रही ये बात कि तैलंग स्वामी ऐसे महान पुरुष जो 285 साल जिए,
उनके कार्यकर्ताओं को जो कलकत्ता में काशी में रहते हैं उनसे बात करते हुए मैंने पूछा, भाई आप सब इतने शिष्य हैं क्यों आपके गुरु की मूर्ति की स्थापना नहीं करते? बोले गुरु का हमारे आदेश है, उनकी मूर्ति की स्थापना करना ऐसा बोलते ही हमें विघ्न आरंभ हो जाते हैं, हमारे तो ऐसे इतने बढ़ते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ द्विवेदी योगी एक विधान प्राणदृष्टा करके गुरु को एक जगह बांध सकते हैं और जो बांधता है वो श्रेष्ठ है, बांध नहीं सकते। वैसे ही सिद्धांत लीजिए और सिद्धांत कारण में स्वयं सिद्धांत ने अपनी मूर्ति शांत करके प्राणदृष्टा की थी, उसके बाद सिद्धांत की मूर्ति कहीं नहीं है क्योंकि उनकी प्राणदृष्टा की मूर्ति वही है आज वो भी सिद्धांत कारण जगत की तरह है, वहां भी पड़ा हुआ है क्योंकि वो मूर्ति में प्राणदृष्टा वाले बन के रहना नहीं चाहते, वो योगी है विचरण करना चाहते हैं। इससे किसी इस सिद्धांत में योगियों की हम लाहिड़ी महाशय हो, पहले स्वामी हो, विश्वदानंद जी हो, ऐसे लोगों की मूर्तियां स्थापित करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास सदा का याद हो जाता और उन संपर्कों का सिलसिला स्वामी विश्वेश्वर जी के बारे में मैंने देखा है, अनुभव किया है और आप सबको भी शायद अगर है तो आप सभी को बता दूस मूर्ति की स्थापना करने के लिए मुझे क्या क्या झेलना पड़ा और आज भी झेल रहा हूं क्योंकि वो मूर्ति में बनना नहीं चाहते। किसी ऋषि की मूर्ति स्थापना करना बहुत कठिन बात है क्योंकि ऋषि ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान को देते हैं अपनी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो तो देवता को उत्पन्न करते हैं, देवता को देने वाला कार्य है, उनकी पूजा को देते हैं अपनी पूजा नहीं करवा, ज्ञान के साथ होते हैं वो अपने आप बनने में नहीं देखा जाए धर्मता योगी कहते हैं और वैदिक योगी जिस तरह है उससे ही योगी योगियों को बांधा नहीं जाता। और जब भी मैंने प्रयत्न किया मैंने इस समय अनुभव किया और आज मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैंने प्रयत्न नहीं छोड़ा, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि उन्हों वे लोग हमें ज्ञान दे, अगर उनका इतिहास ना रहे तो आगे वाला संसार उन साधनों को किस तरह जानेगा, किस तरह उनसे सीखेगा, 225 साल पहले स्वामी जी इस तरह से किसको पता था क्या क्या कारण था वो जी। मैंने इससे पहले बताया आपको जब वो अर्जुन घाट पर बैठा करते थे काशी के घाट पर, उस समय अंग्रेज का राज्य था और अंग्रेज की महारानी पहले जब काशी के गंगा घाट पर निकलती थी एक अन्य क्रम बैठे हुए थे कैलाश स्वामी, उन्हें देखा और रानी ने कहा कि अभी ऐसा नंगा बैठा होता है कि अभी हूं है ऐसा अप्रकृतिक है इसे अर्श्य के अंदर डाल दो, लोगों ने उठाया और कैलाश स्वामी को ले जाकर एक बंद कर दिया। दूसरे दिन जब महारानी फिर टहलने के गंगा घाट पर आई देखते क्या किसी कैलाश स्वामी वहीं बैठे हुए हैं, आपने सैनिकों को बुलाया, मैंने कहा कि तुम इसे अस्त्र के अंदर डाल दो ये फिर बैठा हुआ है, नहीं मानी हमने जल ही डाल दिया वो जेल में ही अंदर है। जब गई महारानी जाके देखते और वो जेल में भी है गंगा घाट पर भी है कैलाश स्वामी फास्ट जेल में गए, अरे मुझे ये कैसा हो सकता है, जब जाके घर में बैठ गए तो उनके सामने कैलाश स्वामी कुर्सी पर हाथ डालकर बैठे हुए थे, वो दल के साथ आई बोले मुझे इसे छुटकारा दिला दो। और ये जो स्वामी अपने देवों को तीन बार एक ही जगह बता सके ऐसे कर्म स्वामी ये साधना कहां गई, आज हम वो साधना नहीं जानते, वो योगी के साथ साधना चली गई, गुरु जी चाहते थे कि यह साधना हम संसार को बताए तब हमारे भारत की महानता होगी और गुरु जी ने प्रयत्न किया है। ऐसा कोई योगी नहीं योगी नहीं विद्या को देश के जो मेरे प्रभुष्ठ की विद्या को देने वाला कोई गुरु नहीं है, उन विद्याओं के बारे में इस संक्रमण के आगे इस विज्ञान पुस्तकों के बंदी या हिमालय के योगी पुत्र जिनने आप इन विद्याओं को देखे हैं, अब इससे पहले इन विद्याओं को मैंने पढ़ा होगा कि देखा होगा या फिर किसी धर्म से सुना होगा, केवल समझदार संदेह है। मैं चाहता हूं कि गुरु जी के स्वार्थ को हम लेकर चले, इसीलिए मैं स्वामी विवेकानंद की स्मृति चेतना केंद्र को उनकी चेतना को लेकर आगे चलने की बात कह रहा हूं। जीने के लिए जीना चाहिए, अगर मैं चाहूं तो मैं एमए ले लूं पीएचडी कर रहा हूं, पति एमए बीएड है, दोनों बच्चे पढ़ लिखे हैं, घर में अच्छे बैठ कर नींद कर बैठ बैठे काम कर सकता हूं, क्यों ये सारी चीजों को लेकर चल रहा हूं? उस गुरु विद्या को जो अंतर्धान ना हो जाए, जिस परंपरा को जिस साधना को जिस उद्देश्य को लेकर गुरु जी चल रहे थे शिष्य के नाते उस उद्देश्य को मैं लेकर चल रहा हूं। आप हजारों लोगों में से 100 लोगों में से 10 लोग भी अगर इसको जान सके आगे आगे चल सके और 10 लोगों में 2 लोग भी सिद्ध हो सके तो मैं संसार का सबसे महान व्यक्ति हूं अपने आप को प्रभाव मेरा प्रयत्न केवल यही है कि परम पुरुष जो देते उस चेतना को आपके तक पहुंचाऊं। मैं गुरु बनना नहीं चाहता, मुझे इच्छा नहीं, मैं और अभी से मैं आपको बताता हूँ बहुत व्यर्थ हो गया क्योंकि मैं लोगों की नाना
इन बातों को देख रहा हूँ, इन बातों को सुन के हर हर रोज सुन के देता हूँ। गुरु जी मुझे कभी भी वो ये कहते हुए नहीं आता कि गुरु जी मैंने ये साधना की या मैं गुरु जी की ये इस कार्यक्रम को मैं लेकर चल रहा हूँ। वो हर बार आता है तो अपनी समस्या लेकर, कितनी बार कितनी समस्याओं को लेकर मैं उनके साथ चलू, एक समस्या कोई दूसरी समस्या लेकर हाजिर, तीसरी समस्या लेकर हाजिर, कभी गुरु कार्य को लेकर हाजिर नहीं होता। और गुरु कार्य के लेकर हाजिर होने वाले और गुरु कार्य के लेकर उपस्थित होने वाले प्रति मेरा कार्य में चेतना के साथ चला रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि गुरु कार्य लेकर आता है। मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ और मेरा प्रयत्न यही रहा है, मैं अगर सही रास्ते पर हूँ जैसा आपको कहा है। 52 शक्तिपीठों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरे गुरु जी का नित्य देखा नहीं स्थापित हो, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि वही सामना नहीं कर सकते हैं, कोई शहर नहीं बन सकता। और उस प्रयत्न में आगे चलता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ और आगे लेकर चलूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि नित्य चेता केंद्र की स्थापनाएं साधना केंद्र की स्थापनाएं हो और वे आने वाले पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन बन सके। स्वामी सतगुरुदेव जी का वह चिंतन हमेशा हरे के मन में हो, कोई न कोई तो मैं हजार पत्थर मार रहा हूँ, एक पत्थर तो जरूर लगेगा ही लगेगा, ये मुझे विश्वास है। एक पत्थर लगेगा, हजार भी लगेगा, सौ पत्थर लगे तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। मुझे जीने के लिए सब तरीके कोई जरूरत नहीं, मैं जी सकता हूँ। मेरी धरती जमीन हो या मेरा घर हो, आज भूमि का क्या हो, कुछ भी हो, जो ज्ञान है उससे मैं जी सकता हूँ। मुझे आप सभी लोगों के पास आते सब तरीके कोई जरूरत नहीं, मैं केवल यही की स्वामी कृष्ण जी की चेतना जागृत हो, उनका चिंतन आपके पास हो और आने वाले दिनों में मिल सके, इसलिए ही कार्य कर रहा हूँ और आपको भी चाहता हूँ ये कार्य लेकर चले। आप सक्षम हैं, आप उपवर्मी जैसे शिष्य बने, आप संसार के कुछ देने के लिए प्रक्रिया सक्रिय हो, आप संसार को देने की शक्ति हो और जो हो सकती है स्वामी कृष्ण जी के नाम से हो, स्वामी चेतना केंद्र के नाम से हो, विश्लेषण जी के नाम से हो, स्वामी डॉक्टर सिमर सतदेव जी के नाम से। अनिल कुमार जोशी कोई चीज नहीं है, तो कभी अपने आप को चाहता भी अगर गुरु जी का नाम हो गया तो अपने आप को समझ समझ जाएगा। आपने परमेश्वर सतदेव जी का नाम किया तो आपने मेरी प्रशंसा कर ली, मुझे माला पहना नहीं। मैं आपको चाहता हूं इस गुरु दीक्षा का गुरु जी का सर्वप्रथम ये था कि हम साधन करें, हम साधना करें, हम हमारा जीवन उज्जवल कर सके, हम अपने आप को समर्पित कर सके। अब सौंदर्य जीवन का सब भाग हमारे हाथ में, ये बात सच निकले, भारत को सोने का अधिकार, भारत को सोने का विधान अलग है जैसा मैंने अभी आपको कहा। एक बार आपको जहां उस नहीं आता तो नदी में डाल दे, आप पुकारने की क्षमता रखी, गुरु आपकी पुकार सुन सके, आप भंडारा में पुकारे तो हैदराबाद में आवाज आए। जब ये प्रक्रिया होगी उस दिन गुरु आपके साथ होगा। और इस तार को इस तार को जोड़ने की प्रक्रिया कोई दीक्षा का है और वह गुरु दीक्षा पहले आपको देखा हूं, बाद में हमें सभा समझा पहले गुरु दीक्षा। मैं जैसा कहता हूं वैसे कहें बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियं श्री निजेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका लेफ्ट हैंड हुए करता है राइट हैंड सकते ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गुरुगायत्री बोल रहा हूँ ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि
धन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप इस गुरु मंत्र का चार माला नित्य जप करें और गुरु से जुड़े रहें, ऐसी प्रार्थनाएं दिल की। शुक्राचार्य की साधना है और ऐसा कार्य है कि साधना करने वाला कि गणपति जी अपने घर में स्नान, आप देखते हैं जितने भी सनातन धर्म वाले हैं उन वो लोग अपने घर पर चौकट पर गणपति को लगाते हैं। और आप अगर यह जानना चाहते हैं कि गुरु जी मुस्लिम धर्म में भी यह साधना है तो 21 के राशि यह संख्या गणपति 21 दुर्गा जा 21 बार मंत्र बोलना यह गुरु जी का यह गणपति का ही विधान कहा गया है। और आप अगर मुस्लिम धर्म में तंत्र में देखते हैं तो 21 कितने हैं उसका टोटल करो आपको 21 आता है। और ये 21 वो संख्या है जो महावीर जी की संख्या है और वो लिखते हैं वो सेवेंटी सिक्स लिखते हैं तो कहते हैं हम यूरोपियन का से बात करेंगे। और ये 76 में आता है, 20 के 8 है गणेश जी और 6 है माँ का दुर्गा और 7 है रुद्र शिव गणपति और पार्वती का ये एक विधान। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था काबा का अर्थ होता है काशी के बाबा जहां अपना गृह पूजा की जाती है। हर तंत्र में गणेश जी हैं, विभिन्नता से पार पढ़ने के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है, गणेश जी की आराधना करना चाहिए। और मैं ऐसा आपको जिन जिन राशियों के अनुसार गणेश जी दिए हैं आज कुछ नक्षत्र के दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पूरे महाराज के साथ आपको दिया जाएगा यंत्र को पूजा स्थान कर दो और जो गणेश जी आपको दिए गए हैं आपके दरवाजे की चौखट पर रख दो, आपके घर में किसी प्रकार की तंत्रवाद नहीं रहेगी। आज जो इस साधना को समर्पण करता है केवल 3 माला मंत्र है, आपके घर में किसी प्रकार की तंत्रवाद हो उसका निवारण जरूर होगा। जो अपने चौखट पर गणेश जी की स्थापना करेंगे अपने राशि अनुसार घर का मालिक और घर का जो भी व्यक्ति हो उसे गणेश जी की मूर्ति ली हो उसके अनुसार आज 3 माला मंत्र करते हुए आज के दिन ही उस गणेश जी को अपने चौखट पर स्थापना करता है तो उसके घर में तंत्रवाद नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में कथन है। आप इसके बारे में आप भी जानते हैं कि आज पुराने घरों में जितने भी देखते हैं घर के चौखट पर गणेश जी को गणेश जी का चित्र रखा हुआ है। तो इस विधान को ध्यान में रखें हम इसी प्रकार कहते हैं कि मकर राशि वाले का द्वार सिंह द्वार गृह के मुंह का हो, वृषभ राशि वाले का गृह का मुंह हो और दूसरे राशि वाले का मुख द्वार के अनुसार गणेश जी किधर के कदम रखे ये सारे एक विधान एक तंत्र है। तो उसी के अनुसार जैसे मनुष्य गण देव गण और राक्षस गण अपने राशियों के नक्षत्रों के अनुसार रखे हुए हैं उसी तरह आपके घर का मुख द्वार गृह हो और कौन सी गणपति की घर के मुख द्वार से स्थापना करने से घर के तंत्र बाधा नहीं होगी यही विधान मैं इसमें समझा रहा हूँ, यही मंत्र समझा रहा हूँ। और उस गणपति गणपति के इंद्र को घर में रखकर आप घर में केवल 3 माला 21 बार मंत्र बोले जाए तो आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं होगी। और उस नक्षत्र के दिन जो इस मंत्र का 3 माला मंत्र करता है उसके घर में आकस्मिक धन प्राप्ति जरूर होगी। उस राशि के अनुसार वह किसी भी रूप से कोई पीड़ित नहीं होगा, किसी भी रूप से पितृण हो चाहे ऋषि हो और कोई देव हो उन ऋणों से वो बाहर आएगा। इसे घर के सिंहद्वार को आत्मा कहा गया है, सिंहद्वार से प्रवेश करते हैं और उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना करते हैं उसे आत्मा कहा गया है। हम उस गणेश उसके ऊपर गणेश जी का रखना घर में किसी भी तंत्र बाधा को नहीं लाना है। बाद में प्रसिद्ध हो गया कि बाद में ही गणपति हम एकत्रित होकर रखा देते थे लेकिन पहले का विधान ऐसा नहीं था। राशि के अनुसार गणपति की स्थापना की जाती है, हर देवता मंदिर भी क्यों न हो वहां गणेश जी को देखते हैं, देवता के मंदिर में भी गणेश जी को रखते हैं तो आपका घर है वहां तंत्र तंत्र की बाधा गणेश जी के रहने से निवारण होती है। देवताओं के मंदिरों में तो आपके घर में रहने का तो ध्यान नहीं, ऐसी तंत्र बाधा आपके घर में होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अब जो पढ़ रहा हूँ उस राशि के अनुसार उस गणपति की स्थापना आपके पास कागज दिया गया है मैं उसके अनुसार जो बता रहा हूँ आपके व्यवहार नाम आपको राशि ज्ञान नहीं है तो आपके व्यवहार नाम के अनुसार उस गणपति की स्थापना करो। और पहले आप गणपति निकाल के बाहर रखो माला की गणपति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद माला मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी यंत्र का विधान होगा उसके बाद आप 3 माला मंत्र जप करो उसके बाद उस गणपति को आपके घर से स्थापना करो। आप ज्यादा दिन अगर गणपति को नहीं रख सकते तो आप 1 साल के बाद उस गणेश जी को पानी में विसर्जित कर सकते हैं पानी के हरिद्रा गणपति हो यह हरिद्रा गणपति हो और यह गणपति केवल उसे रख सकते नहीं बनते हैं तो मैं पहले उन राशियों के नाम पढ़ रहा हूँ जिस
जन्मने पहले एक सूर्य और मकर कुंभ राशि है, इसमें दक्षिण आदि अश्विनी भरणी युति का विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा उत्तराषाढ़ा श्रवण भीष्टा शतार्का पूर्व भर्ग। तो इसमें जिस अक्षरों का नाम आरंभ होता है वो है चू चे चोला बीनू ले दो आ तो रानी मुने मु या की यू हो जा जी की कु के थे गाजी रूबे हो सा सिसु के से सोला। इनको मुंगा का जन्मने अगर वे तीन माला नीचे जो मंत्र क्या है तो तीन माला मंत्र करके अपने घर के स्थापन करके हैं तो घर में तंत्र बाधा किसी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं होगी। धन का आगमन में हो या व्यापार के स्थान पर भी जन्मने को स्थापना करते हैं चौपड़ पे तो उसका व्यापार बढ़ेगा, उसका व्यापार बंद नहीं होगा, उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा नहीं होगी ऐसा कहा गया। उसके बाद उसके बाद में मिथुन राशि जो अधिक से प्रयाग होती है मिथुन राशि कर्क राशि और सिंह धनु राशि मृग आर्द्रा मंद्रस पुष्य शेष मखा पूर्वा उत्तरा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा इन नामों से जो जो गणपति जो जो नक्षत्र वाले हैं उन गणपति की आराधना करने से उसके उसके घर पर या व्यापार के स्तर पर उस गणपति को रखने से उस घर पे आने वाले तंत्र बाधाओं का निवारण जरूर होगा ये विश्वास है। आप अगर देखते हैं तो मैं मेरे घर के ऊपर ही गणपति रखता हूँ आप कभी भी आ सकते हैं आज ही मैं जब से तपाना तब से हजरा गणपति रखता हूँ ऊपर मेरी उत्सव राशि रहने के कारण जब मैं ही रहता हूँ तो आपको कहने में मैं ये बात देने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है आपको भी मैं सही मार्ग बता रहा हूँ जो दूसरे मार्ग होता है जो साफ समझ है जब मेरे घर पे मैं रहता हूँ तो आपको भी रखने के लिए रखता हूँ आपके घर में भी तंत्र बाधा नहीं होगी मैंने आज समय भी गणपति रखा है आप देख सकते हैं। तो अपने आप को जो अपने कार्यों में अड़चन अनुभव करते हैं या धन का आगमन निर्मित से नहीं होता या कार्य निर्मित से नहीं होता ऐसा अनुभव करते हैं वे जरूर इन गणपतियों का स्थापन गणपति की साधना अपने घर पे या बाबा के बाबा से करते हैं अपने राशि अनुसार। मैं पहले मेष ऋषि मकर कुंभ राशि वालों को मंत्र बोल रहा हूँ वो लोग मेरे साथ हुए ओम नमो भगवते पद्मा श्री ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर धन द्रव्य आवे सर्वजन वश्य गुरु नमः। उसके बाद विश्व कन्या तुला और मीन राशि के लिए है हरिद्रा गणपति ओम गम हरिद्राय सिद्धिविनायकाय फट। उसके बाद मिथुन कर्क सिंह और धनु राशि वालों को है श्री यम फट। इसकी आपके साथ जो माला है पहले गणपति बाहर निकाल के रखो पहले काम दिशा होगी उसके बाद माला की काम दिशा होगी उसके बाद मित्र के सामने रखो यानी कि माला पूर्ण करो मैं भी मेरा मंत्र पूर्ण कर लेता हूँ आज कृष्ण नक्षत्र है मैं हर मंत्र कृष्ण नक्षत्र को हरि गणपति के सामने इस मंत्र का जप करता हूँ जिससे आकर्षण धन प्राप्त होती है और तंत्र बाधा का निवारण होता है। आप उसके अनुसार यह जप कीजिए आप पहले गणपति बाहर निकाल के रखिए उदय महाराज की काम दिशा करवाएंगे होगी ओम का 15 बार बोले।
और उसके पेट में नहीं आ पाएंगे तो युद्ध तक ही आज अपना चेहरा आप देख सकेंगे। इस कार्य में आप बोल रहे हैं आपसे नहीं मिल रहा हूं, तो इसका आप ये उद्देश्य हासिल नहीं किया, आपसे मिलना नहीं है। केवल मेरा यही उद्देश्य है कि गुरु जी के कुछ चिंतन को जो उन्होंने मूलाधार से संस्कार तक हो या विज्ञान की प्रतिभा के माध्यम से जो आयुर्वेद का विज्ञान हमने दिया है उस विज्ञान को मैं आगे बढ़ा सकूं, आगे सभी को दे सकूं, आगे उस विज्ञान को उनके बताए हुए उन औषधियों को मैं तैयार कर सकूं और उन औषधियों का सही उपयोग हो और केवल वो सिद्धार्थ के साधक जो है उनको वहां में उचित रूप में कोई पैसा ना लेते हुए मैं उनकी सेवा कर सकूं, ये उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ और यह काम करना मेरा उद्देश्य है। इस कार्य में मैं के कारण आपको समय दे नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य रहा है कि मेरे गुरु जी ने जिस जिस विषय में अपना अपना कार्य का सहयोग किया है या अपना ज्ञान दिया है वो सारा इसमें मैं केवल आपका सहयोग इतना ही चाहता हूँ कि मैं अगर आपको नहीं मिलता हूँ तो इसका उद्देश्य आपके आप ये ना लें कि मैं आपके ऊपर रुका हुआ हूँ या आपको नहीं मिलना चाहता हूँ। अकेला आदमी इधर संस्थाओं को स्थापन करते हुए लोगों को मिलते हुए फिर इस आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों को देखते हुए अगर चलना रहा तो उसको कितना काम करना पड़ता है आप जानते हैं। केवल उद्देश्य यही है अब वटवृक्ष के दूध से या पीपल के दूध से खोबरे का तेल और कुछ ऐसी जड़ी बूटियों से मिलाकर सभी बालों को काले ही बाल हो गए और बाल बाल ना जाए ऐसी दवाई भी तैयार करनी गए तैयार करने का कार्यक्रम कर रहा हूँ और पहले वो उपयोग में मेरे ऊपर ही कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आप ऐसा कभी नहीं लगे कि गुरु जी आपके बारे से मेरा दूसरों को भी बताते हैं पहले मैं उपयोग करके ही आपको बताता हूँ और सच्ची बात बता रहा हूँ ये कि माता जी गालियाँ देनी जरूर है। मैंने इतने में एक बार देख कर मद्रास ले लिया था और जड़ी बूटियों के उपेक्षण एक को बताया जाए कि कायाकल्प किस तरह होता है तो उसने कायाकल्प के बारे में बताया कि भारत के साथ सलाने फलाने आयुर्वेद की गुटियों को अलग गुटियों को हम उसका भूलता तैयार करके और नाभी में डाल लें नाभी में उसका प्रवेश करें तो कायाकल्प हो सकता है। ये जो इसकी चर्चा चली बाद में उसने उसके मेरा 80 साल है वो वहां से केरल के रहने वाले हैं उनको 3 पत्नियां हैं तीसरी पत्नी 20 साल के उनकी उम्र 80 साल वो कहता है कि अभी भी मेरे 20 साल की पत्नी गर्भवती है बोला ये कायाकल्प नहीं कहलाता 80 साल की उम्र 20 साल के तो कायाकल्प कहलाते हैं कैसे कायाकल्प नहीं करे बेटा कायाकल्प उसे कहते हैं कि 80 साल की उम्र में भी चल फिर सके उस 20 साल की आदमी के साथ अपना अपनी शक्ति बता सके उसे कायाकल्प कहा गया है और आपके बाद उस साल में भी सफेद आपको आपके दांत वैसे ही बने हैं आप ऐसे सदृढ़ रहे वो तो वो बात बता कि 80 साल में भी मैं 20 साल के बच्चे के साथ बच्चा पैदा कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ तो 100 साल में बच्चा पैदा कर सकते इसका मतलब है उनका कायाकल्प हुआ है ऐसा मत समझो। कायाकल्प उसे कहते हैं कि जो 100 साल में भी 100 किलोमीटर चल सके 100 अपने बात को उसी तरह रख सके जो नौजवान रख सके। तो इस बारे में उनका और मेरा ये चला मैंने माता जी को ये बात नहीं बताई आज आपके सामने बता रहा हूँ वो भारत की गुटी का मैंने जैसा ही लिया है लेकर कम से कम 1.5 महीना हो गया मकान जाकर मैं ली और वो खांसी आज भी बनी हुई है तब इसीलिए मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ जब तक मेरे ऊपर प्रयोग ना हो आपको ये दवाई तैयार करने के बाद इसे मां पुत्र कहा गया है और इसे कायाकल्प का एक विशेष औषधि गुण माना कहा गया है उसका साइड इफेक्ट मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ उसमें शहद मेरे शरीर को शहद नहीं हो गया था शहद हमेशा एलर्जी होती है उसे खांसी आती है और उसको लेने के कारण मुझे खांसी जो आप निरंतर देख रहे हैं वो दवाई मैं जब तक मैं इनको नहीं करता आपके पास से खाने नहीं देता इस तरह इस काम में जुटा हुआ रहने के कारण आपको समय ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ आप यह ना समझे मैं आपसे रुका हुआ हूँ या काम आपको मिलता नहीं हूँ केवल मेरा ये उद्देश्य है कि गुरु जी के दिए हुए हर ज्ञान को आप तक पहुंचा सको और आपको ज्ञान आपको फायदेमंद हो। अब इस बारे में मैं यहाँ के बहुत दिनों के विशेष व्यक्ति पर अशोक ठाकुर जी से बात करता हूँ कि वे एक बार फोन पर मुझे बताए थे मुझे ऐसे शिवा ने बताया था कि उन्होंने भी एक दवाई तैयार की है जो बालों को झड़ने में लेती है और बालों को काला बना लेती है क्योंकि मैंने ऐसी दवाई तैयार की है। मैं ये 5 मिनट के लिए इसके ऊपर उजागर करने के लिए अशोक ठाकुर जी को यहाँ बुला रहा हूँ
जैसे दिखते वैसे नहीं। गुरु परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा लेने के पहले वो सारे कवच अपने शिष्य को पहना देता है। मैं इन 4-5 वर्षों में एक बहुत बड़े गिरगांव से गुजरा हूं, लेकिन मैंने हर समय गुरु जी को याद रखा, याद किया। गुरु जी ने जो कुछ भी चाहे किसी सीरीज में बताया हो या व्यक्तिगत चर्चा के दौरान बताया हो, वो बातों को नोट करता रहा। वो बातें हरदम मेरे जीवन में अमृत तुल्य रही। लेकिन एक इच्छा मेरी भी रही कि गुरु जी जो बोलते बातें सत्य होती है कि नहीं होती, इसलिए प्रत्येक मंत्रों या कोई उपचार है आयुर्वेदिक उनके साथ में मैं भी खुद प्रैक्टिकल करता रहा। एक दिमाग ऐसा बना लिया कि ये बातें अगर सत्य है गुरु जी ने कही है तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा ही रूप निकलेगा। अगर मर गए तो बोलेंगे गुरु जी आपने गलत बताया, अब तो आप बलेंगे। अगर गुरु जी ने सही बताया था तो हो सकता है संसार के अंदर में या अन्य लोगों के साधना ली है, वे सत्य परीक्षा के लिए लाइन में आने से परीक्षा दूंगा, उसके बाद आपकी होगी प्रसाद।